के कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में पूछें। इसके अलावा हम इनसे ये पूछेंगे इनके यहाँ के जो हालात है वो कैसे जा रहे हैं, इनका रहन सहन कैसा जा रहा है और कल्चर के बारे में, ये कब से यहाँ पे हैं, कब से यहाँ पे और यहाँ पर ये क्या करते हैं, आज हम इनसे पूछेंगे। तो आइए चलते हैं अंदर। इनके बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इस इनके कल्चर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल आपका क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम मेरा नाम है। बता, आप लाहौर के रहायशी हैं या आप कहीं से और से आए हैं? मैं कहूँ लाहौर का रहायशी हूँ, मैं बचपन से यहाँ रहता हूँ, मैं लाहौर में। आपके हालात शुरू से ऐसे हैं या बाद में कोई आपकी सिचुएशन खराब हुई? अल्लाह का शुक्र है, ऐसे ही थे, शुरू से ऐसे थे और ऐसे ही हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपका कोई ऐसा ट्रेडिशन कोई यहाँ पे आता हो, आपकी कोई फंक्शन होता है जैसा कि हर किसी का त्यौहार होता है, आपके त्यौहार? हमारा त्यौहार कोई नहीं, ना होता तो वाया, बस ये जैसे बैठे। आप जैसा कि अब सर्दी चल रही है, सर्दियाँ गर्मियाँ, आप मौसम में कोई बदलाव जो आता है? कुछ भी नहीं, यही होता है, इसी में रहते हैं, कोई नहीं यहाँ पे, और कुछ मकान नहीं है, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं, दुनिया में रहते हैं। सर्दियों का मौसम है, आप यहाँ पर जब सर्दी ज्यादा होती है, जब धुंध पड़ती है, बारिश होती है, तब आप क्या करते हैं? लकड़ी जला लेते हैं, कोले जला के आग। बारिश में आपका कैसे गुजारा होता है? बारिश भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है, वैसे बारिश होती है तो ठंड भी ज्यादा हो जाती है, फिर लकड़ी जला लेते हैं, गैस तो हमारे पास होता नहीं, ना लाइट होती है हमारे पास, यही है काम हमारा। और गर्मियाँ आप कैसे गुजारते हैं जब फुल तेज धूप निकली होती है? फुल तेज होती है, ऐसा धारा सा बनाया होता है, नीचे पखा लेके हाथ वाला जलाते होते हैं, चलो जी। यहाँ पर बिजली का कोई इंतजाम नहीं है? बिजली का इंतजाम कौन देता है? बिजली ऐसे कोई आदमी नहीं देता होता बिजली। तो जब शादी त्यौहार होते हैं वो? शादी त्यौहार पे यही है, बस खाना पीना खा लेते हैं, टेंट लगवा लेते हैं एक छोटा सा, यही पर आप इसी इधर ही टेंट लगवाते हैं या कोई अरेंज करते हैं? रोड पे लगा लेते हैं या कहीं अंदर प्लाट देख लिया उसमें लगवा। जैसा कि आपने बताया कि आप शुरू से लाहौर में ही रहने वाले हैं, यहीं पे ही रहते हैं इस तरह झुग्गियों में, तो हुकूमती निजाम कैसे, कोई आपके पास आता है कुछ आपकी मदद करने के लिए या आपको कोई इंतजाम फराहम करने के लिए? ऐसा तो कभी मौका नहीं आया जो हमारी मदद करने वाला या कुछ चीज देने वाला आता था, कोई ऐसा नहीं मामला है हमारे पास, बस यही है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दे रहा, खा रहे हैं हम। आपने कुछ तब्दीली देखी हो इतने सालों में? तब्दीली तो सब तब्दीली होगी ना, अब तो क्या चीज नहीं तब्दील हुई यहाँ पे, इतनी देर तो यहाँ पे बड़ी तब्दीली हो। आपसे एक आखिरी सवाल, जब यहाँ पे एलडीए वाले आते हैं तो वो आपके साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं? तो रुपया तो अच्छा ही रखते हैं, नहीं भी अच्छा रखते, क्योंकि हम मान लेते हैं तो उसको उतार के रख लेंगे, तो रख के उठा लेंगे, ये तो उठा के फेंक देते हैं, कहते चलो इधर छूटो, आपको शिफ्ट कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको मुंतला कर लेते हैं, हमें रहने दो यार, कोई बात नहीं यार, गुजारा करने दो हमें। आप इस जगह का रेंट देते हैं या वैसे ही रहते हैं? नहीं वैसे ही रहते हैं, रेंट रूट कोई नहीं, यहाँ पे सड़क पे कौन रेंट लेता है, सड़क पे तो वैसे ही रहना पड़ता है। नई जगह फिर भी किसी की होती है ना? ये तो नहीं, जहाँ किसी की जगह पे मैं तो नहीं रहते रहा, मैं झूठ बोलूँ आपके पास। आप अपनी जिंदगी से खुश हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दे रहा, खा रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा अल्लाह को याद करते हैं, बस और क्या, बहुत जिंदगी देने वाला वही है, सब कुछ करने वाला, खुश रखने वाला। वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? कैसे तो भैया? अच्छा, तो क्या नाम क्या है जी आपका? अब्दुल गफार। कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप? ये 20-25 साल, ठीक हो गया। तो आजकल कैसे गुजारा हो रहा है, किस तरह गुजारा कर रहे हैं आप लोग, और जैसे कि सर्दियाँ हैं रात, मतलब किस तरह आप लोग गुजार रहे हैं सारे कुछ? आपको भाई दिख रहा है कैसे गुजारा हो रहा है, कमलों में सही सही हो गया, तो सारी देर मिस्त्री मजदूरी करते हैं, सही हो गया। अड्डे में जाते वहाँ कभी लगती है कभी नहीं लगती, कभी देरी लगती है कभी नहीं, ठीक हो गया। वो क्या नाम है, तुम हुकूमती इकदाम कोई आता है यहाँ पर, कोई रिफंड वगैरह करता है या किसी तरह किसी वाले से? कुछ भी नहीं करते। और ये जो एलडीए वाले आते हैं परेशान करके चले जाते हैं, सही हो गया। अब जिस तरह कोई यहाँ पर कोई आपका कोई त्यौहार वगैरह आ जाए, जिस तरह ईद वगैरह आ जाती है, कोई रमजान वगैरह, वो किस तरह आप लोग करते हैं, क्या क्या करते हैं उसमें? हिम्मत मुजाज होती है उतना कर लेते हैं, मजदूरी मेहनत मजदूरी करते हैं, वो तो आपके सामने नजर आ रहा है ना। जी जी, वो तो बिल्कुल आपकी बात, मेहनत मजदूरी करते हैं गरीब बंदे, चलो कोई।
वो आप लोग जो यहाँ पर कब से रह रहे हैं ये तो आपने मुझे बता दिया है, शुरू से लाहौर के हैं या पीछे से? पीछे से रहते हैं, उकाड़े वाली साइड पे रहते थे, उधर माड़ी पत्तन वाली साइड, रावी वाली साइड, रावी वाली साइड पे माड़ी पत्तन आता ना। सही सही, उठे रहते थे, कुछ है नहीं थी, भूखे मरते थे, उधर भी इसी तरह की जिंदगी बसर की, ऐसे बसर की थी, भूखे मरते थे, तैयार के आज इतने आ गए सुंदर आते। सही, तो आपका कोई इस तरह का त्यौहार है जो कि हुकूमत आपको इकदाम करती है और आप लोग पूरे जोश हो गए कुछ कर करते 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 बच्चे अगर पढ़ने वगैरह हो, बच्चों का पढ़ने का भी शौक होता है तो उस हवाले से क्या करते हैं आप लोग, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? किधर से लगे इनको, किधर से लगे वे बच्चे? बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपना इसमें ग्रामी क्या? मेरा मैम, हाँ जी, यासीन। यासीन, अच्छा, तो यहाँ पर कब से रह रहे हैं आप? कितनी देर? यहाँ तकरीबन काफी अरसा हो चुका है, 15 और 20 साल हो चुके हैं। और पीछे से आप कहाँ के? लाहौर के रहने वाले हैं। लाहौर के रहने वाले, जी जी। जिस तरह के यहाँ पर आबादी मैं चेक कर रहा था, सारा कुछ चेक कर रहा था, कुल आबादी अगर आपको कुछ अंदाजा होगा, काफी अरसे से रह रहे हैं, तो कितनी आबादी है यहाँ पर? यहाँ पे जो हमारे गरीब तबका, जी ये जो पूरा तबका जो है, तकरीबन जो हमारी बरादरी है कम से कम 400-500 घर है, 400-500 घर इस जगह पे तकरीबन है, हाँ, जो टाउन के करीब। तो क्या नाम है उसमें, ये भी सूचना आला की अब जो कोई आपका इवेंट वगैरह लाइक कोई त्योहार वगैरह या कुछ तरह की चीजें वगैरह होती है तो आप किस तरह करते हैं, आपका रहन सहन, आपका पहनना वगैरह, ये सब? ये पहनना तो ये आप सब देख रहे हैं, जो भी आपको नजर के सामने है, जो पहन रहे हैं, जो खा रहे हैं, तो गरीब तबका तो ये सोचता है ना यार अल्लाह ताला कहीं से बहाने देता है, तो गरीब दे जाता है, मजदूरी तो लाजमी है ना, पर मजदूरी तो कर रहे हैं हम लोग, तो 8 घंटे काम करते हैं मजदूर है हम लोग, मिस्त्रियों के पीछे काम करते हैं। LDA जो तबका है, हाँ कभी कभी तंग करता है, वो कहता है झोपड़ी उठा ले, जी किसी माल का प्लाट है वो कह देते हैं हमें खुद ही बिठा हुआ, तो वो हेल्प कर देते हैं किसी को, तो जो LDA तबका वो तकरीबन वो तो कहते हैं आप यहाँ से जाएं, तो गरीब तबका कहाँ पे जाएगा? जैसे एक मैंने यहाँ पर ये भी नोट किया है कि औरतें जो है वो काफी ज्यादा ना घबरा जाती हैं, कैमरा वगैरह देख के इस तरह का, ये वो ऐसे है ना, वो बात हमारी बिल्कुल आपकी राइट है, वो ऐसे घबरा जाती हैं, भी पिक्चर ना हमारी आए, आपकी एक तरतीब बनी हुई है, मैंने उसके साथ बात करनी है, इन लोगों की तरतीब नहीं है, आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ये कहते हैं मेरी पिक्चर बाहर जाएगी या कोई देखेगा हमारा बरादरी देख लेगी, वो ऐसे ना अच्छा नहीं समझते लोग।